के थोड़ा चर्च में लगा हुआ है। तो हेलो जी, राधे राधे, प्रणाम सभी को, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग आज स्टार्ट कर दी हूँ मैं सुबह सुबह से, और बहुत जल्दी ही उठ गई थी। यहाँ देखिए, मैं उठ गई थी जल्दी, तो फिर सारा काम जो कर था वो कर ली थी। उसके बाद मोटर भी चालू था, तो मैं पानी उनी भी भर ली थी। और बाबू को थोड़ा सा सर्दी हो गया है, तो रात भर थोड़ा सा अच्छा से नहीं सोया था, तो वो लेटा हुआ है। मैं उसको बोली उठ के थोड़ा सा लेटे रहो, और मैं अपना उठ के काम कर रही थी। तो अच्छा धूप निकला, तो यहाँ देखिए भगवान जी की आज पूजा पाठ हुआ, तो आज थोड़ा सा मन एकदम अच्छा लग रहा है, होना हो गया। और पूजा पाठ भी आज से शुरू हुआ है, तो पूजा वूजा देखिए कान्हा जी को कर लिए, और भोग वोग लगा के फिर उतारे। तो फिर आ गया था लहसुन बेचने वाला, तो लहसुन लेने चल गई। तो अभी कपड़ा उपड़ा जो था बहुत तेज हवा चल रहा है, तो कपड़ा उपड़ा था जो गैलरी में मैं डाल दी हूँ। और अभी रूम में हमको सारा बॉक्स में डालना है कंबल उम्बल, और उसके बाद बेडशीट बिछाऊंगी। तो पहले कंबल उम्बल डालते हैं बॉक्स में, उसके बाद फिर अभी बैठे गए हैं, खाना उना बना लिए, दाल चावल और आलू गोभी मटर के सूखा सब्जी बनाए हैं, ज़्यादा रस वाला नहीं, और बना के। और लेकिन खेल रहा है अभी, ड्राइंग कर रहा है, व्यवसाया तो बोल रहा है मैं ड्राइंग, दोनों मिलकर ड्राइंग कर रहा है और बातें भी कर रहा है। तो मैं प्लांग खोली, और प्लांग में मैं जो एक्स्ट्रा जैसे इनका जैकेट, मेरा जैकेट, ये सब तो जो ज़्यादा सामान था मोटा मोटा वाला गरम वाला, जो मैं डाल दी बॉक्स खोल के, इतना जगह था, नया वाला कंबल डाल दी थी जो पानी में रखा हुआ था, और वो सब कंबल अभी नहीं रखी हूँ। एक तो इधर रखती हूँ, एक रख दूँगी, लेकिन अभी उसको जगह बनाना पड़ेगा। तो अभी जल्दी बस जितना आया उतना रख दिए, और पूरा नहीं रखी हूँ, तो जितना रखा सका उतना रख दिए, सेट कर दिए हैं। और बाकी ओढ़ने वाला कंबल वहाँ रख दी हूँ, चलिए दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए वहाँ पे कुर्सी पर रख दिए हैं। और बेडशीट भी बिछा दिए, इस रूम में भी बेडशीट बिछा दिए हैं, उस रूम में भी बेडशीट बिछा दिए हैं। और बाबा का थोड़ा सा सर्दी हो गया है, और खांसी नहीं है, सिर्फ सर्दी है, और बहुत तेज हवा चल रहा है, तो कहूँ जाना था लेकिन नहीं गई, ऊपर से काम भी थोड़ा हो गया। और भगवान जी का आज से पूजा स्टार्ट की हूँ, तो कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा, ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए, तो अब वैसे ही रखना पड़ा है, क्योंकि रखने में बहुत दिक्कत होता है ना ऐसे। तो अभी सब पोछ के चुनरे माला सबको पहना उना के वहीं पर रखी हूँ, और नीचे में यहाँ पे चौकी भी छाई थी, रख के पूजा करूँगी। फिर मुझे लगा कि झाड़ू पोछा दीजिए, तो जो बहुत वो हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल अभी वहीं पे हैं। और अभी उनको थोड़ा सा अलग से पूजा करने में, और सब सामान के लिए, और बस यही सब करने में लगी थी। तो चलिए, आप क्या क्या कलर कर रहा है वो? मैं बड़ा ब्राउन बॉल यूज़ कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, दोनों मिलके बेडशीट मोड़ दिया। चलो चलो ठीक है, रहने दो, बाद में बिछा देंगे, रहने दो, आराम से करो। पीयूष को ड्राइंग, तो ये देखिए दोनों का ड्राइंग बढ़िया, दोनों सुंदर से बना रहा है दोनों करके, क्योंकि डाले अगर तो इधर पूजा का दो धो दी थी आज बेडशीट और से। धूप तेज निकला हुआ है, लेकिन वही हवा चल रही से कम मस्त से कलर कर रहा है, और मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। तो मैं फोन की थी, इनसे भी थोड़ा बात की हूँ। बाबू को सर्दी हो गया है, तो थोड़ा सा परेशान है, सर्दी से नाक से पानी गिर रहा है, तो उसको देते हैं। तो यहाँ देखिए गैस उस पोछ रही है साफ सुथरा करके, और यहाँ देखिए मैं बाल खोल के थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, मेहंदी लगाई थी बाल में इसीलिए ठंडा से, और धूप लग रहा था, तो मैं यहाँ धूप में बैठी हुई हूँ, धूप लग रहा है। और बाबू को भी थोड़ा सर्दी हो गया है, तो इसको भी तबीयत सूड़ सूड़ कर रहा है, और परसों से फिर 9 बजे से स्कूल हो जाएगा इसका। परसों से मतलब मंडे से? कौन से मंडे? नहीं, ट्यूजडे से, ट्यूजडे से 6 तारीख से हमारा 9 बजे से स्कूल हो जाएगा। कल परसों
कल के बाद तो इसका लेट से हो, 9 बजे से हो जाएगा तो ठीक हो गया, हो जाएगा। 10 बजे से था तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, मतलब ऊपर अजीब टाइम था, 2 बजे आना और 10 बजे जाना, उल्टा पुल्टा ऐसे टाइम लग रहा था। तो 9 बजे जाओ और 1 बजे तो सही रहता है टाइम, तो बस सब बढ़िया है। और मेरा यहाँ पे एलर्जी होने लगा, मोती से पूरा दाना दाना सब हटने लगा, तो मैं वो उसका मोती वो ढोलना था उसको निकाल दी और धागा ऐसे बन पहन ली हूँ। अब बाल खुला करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूप में लेटी हुई थी, लेकिन हवा भी आ रहा है तो खिड़की सोची बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रहा है और धूप तेज़ है और हवा भी तेज़ है, तो ऐसे धूप में अच्छा लग रहा है और इसीलिए तो बस यही काम हो रहा है। तो खाना पीना हो गया मेरा भी या बाबू का भी, और बस तो कहूँ जाना आना है नहीं, बस बैठी हूँ। तो आज मैं सूट भी नहीं पहनी जो पहनी थी, नहा धो के पूजा करते करते टाइम काफ़ी हो गया था, तो इसलिए 12:30 बज गया था हमको करते करते। तो फिर जल्दी जल्दी से खाना वाना बनाई, तो खाना वाना खाई हूँ, वो सर में थोड़ा सा दर्द लग रहा है, तो मैं कथा भी नहीं सुनी न तो कथा चालू करके मैं बैठती उस रूम में, तो उस रूम में धूप नहीं आता है, ठंडा भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं इस रूम में ही बैठी हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा धूप आ रहा है। और थोड़ा सा धूप में बैठ जाइए तो अच्छा लगता है नहला के बाद, और इसको थोड़ा सा सर्दी हो गया है तो खिन खिन से अजीब से कर रहा है, तो बस सब बढ़िया है, तो यही सब चल रहा था। मुझे भी जब हुआ आ रहा है, नींद आ रहा है, क्योंकि इसको नाक जाम हो गया था रात में सर्दी के कारण, तो ठीक से सोने नहीं दे रहा था, बीच बीच में उठ जा रहा था, तो इसके चक्कर में हमको भी नींद टूट जा रहा था, ऐसे ध्यान लगा रहता है तो ऐसे नींद टूट जा रहा था, तो मैं भी उठी हुई थी। तो चलिए आज वीडियो करती हूँ यहीं पर, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो सब्जी उब्जी लेकर आई थी तो भी मैं थोड़ा सा शूट की थी, तो चलिए वीडियो करती हूँ यहीं पर। राधे राधे, प्रणाम सभी को, बाय बाय, क्योंकि